हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 इंचेस की चौड़ाई का और 2.25 इंचेस लंबाई का इस तरीके का पेपर का टुकड़ा लिया है, जिसको हम फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर 1 इंच होगी और लंबाई यहाँ पर 2.25 इंच होगी। बाहर की तरफ मैंने इस तरीके से ट्रायंगल शेप दिया हुआ है और ऊपर की तरफ 1/2 इंच का पेपर का टुकड़ा हमने छोड़ दिया है। बाहर की तरफ कर्व देते हुए इस तरीके से हम एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देंगे। अब हमें यह वाले पेपर के टुकड़े को हमारे बुकरम के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर बुकरम की पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब हम बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पट्टी की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। दोनों ही तरफ हमें 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है। अब हमें ऊपर की तरफ से 1/2 इंच के फैब्रिक को बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब हमें हमारी मोहरी की सीधी तरफ और हमारे डिज़ाइन की सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है। यहाँ पर मैं पिन की मदद से इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक को सिक्योर कर लूँगी और फिर हम यहाँ किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ पर हम कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। पूरे ही डिज़ाइन में इस तरीके से कट लगाने के बाद फिर हमें हमारे बुकरम वाले डिज़ाइन को इस तरीके से रॉन्ग साइड पर पलट लेना है। अब हमें ट्राइंगल वाला डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से 2x2 इंचेस की चौड़ाई की और लंबाई के फैब्रिक के पीस को कट कर लेना है। उसे हमें इस तरीके से ट्राइंगल शेप में फोल्ड करना है। जब हम यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएंगे तब हमें उन्हें इस तरीके से अटैच करना है। सभी डिज़ाइन की किनारी पर हम यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल शेप वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे। ट्राइंगल शेप वाले डिज़ाइन को इस तरीके से स्लीव की मोहरी में अटैच करने के बाद इसी की पास में हम इस तरीके से दूसरी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें नीचे की तरफ हमारा जो लटकन वाला डिज़ाइन है उसे तैयार करना है, जिसके लिए हमें हमारे फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने 2.25 इंचेस चौड़ाई का इस तरीके का राउंड में फैब्रिक को कट किया हुआ है। उस फैब्रिक को हम इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और दूसरे हमारे डिज़ाइन को कट कर लेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन को कट करने के बाद इसकी बाहर की तरफ से धागे ना निकल कर आए, इसलिए हम इसकी किनारी पर इस तरीके से लाइटर की मदद से थोड़ा सा फैब्रिक बर्न कर लेंगे, जिससे इसमें से धागे है वो बाहर की तरफ निकल कर नहीं आएंगे। अब हम पहले एक मोती को इस तरीके से अटैच करेंगे, फिर हमने जो राउंड में फैब्रिक को कट किया हुआ है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। फिर हमें उसे यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। इसी तरीके से हमें हमारी पूरी ही स्लीव की मोहरी में इस तरीके से लटकन और मोती को अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से पूरी ही स्लीव में लटकन और मोती की मदद से नीचे की तरफ इस तरीके से लटकन वाला डिज़ाइन तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारा स्लीव डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।